हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? तो मैं उठी थी सवेरे 8 बजे, 8 बजे उठी थी। अमित को काम पे जाने का था तो उठी। अमित को नाश्ता विश्ता बना के दी, नाश्ता दी, टिफिन बना के दी और फिर काम करने के बाद सो गई। फिर अभी उठी और अभी मैंने उसको टिफिन में दी, तो मैंने आलू के पराठे और हम लोग ने भी आज आलू के पराठे लिए हैं नाश्ते के अंदर। तो आप भी आओ नाश्ता करने के लिए दही के साथ आलू के पराठे। आमिर को और तब्बू को बहुत पसंद है, ये बहुत गर्म है। आप भी आओ नाश्ता करने के लिए। हाँ बहुत अच्छा बना, मैंने तो नमक भी टेस्ट नहीं करी थी इसकी, सब अंदाजे से डाल दी क्योंकि सवेरे टेस्ट करने में कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में मैंने अभी टेस्ट करी नमक सही करने, तो बहुत अच्छा है। अभी तब्बू और मैं हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे, मिलते हैं बाद में। का नाश्ता करके ना मैं सो गई थी, सोके उठे तो माजी का फोन आया। माजी बोले कि आज जाने का है कब्रिस्तान पे, मेरे जेठ का हो गया इंतकाल और मेरे ससुरे का भी। तो फिर उन्होंने फूल ला के रखे थे 5 किलो के, 10 किलो कुछ लेके आए लेंगे। तो बोले हम लोग सब जाएंगे, मतलब इसके अब्बा और आमिर शायद वो दोनों अंदर जाएंगे, शायद नहीं वो दोनों ही अंदर रहेंगे और मेरे सास तब्बू मैं बाहर रिक्शा में बैठेंगे। तो अभी हम लोग उधर ही जाएंगे, माजी के पास जाएंगे, माजी को लेंगे फिर कब्रिस्तान जाएंगे। दिखाते हैं आप जब तक बैठ करेगा तब्बू। मेरा अब्बा गए, चाय आरे फाटक जाने स्टेशन स्टेशन आरे फाटक। ये देखो ये नमूने लोग रहते हैं ऐसे कार वाले। अल्लाह का शुक्र है जरा बारिश भी रुकी थी। हाँ मतलब अभी हल्की हल गिर रही है, वो बड़ी बात गिर रही है। मम्मी ये देखो गिर रही है, सब ज्यादा जरा पानी बारिश है। तो फाइनली मेरी दादी भी आ गए। कितने किलो फूले माली है? ये 6 किलो नहीं है, ये 4 है और 3 है। 4 किलो 7 किलो 7 किलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। आमिर बोला ना, अभी जा रहे मेरी दादी हम लोग के लिए वड़ा पाव लाने गए। मेरे अब्बा को पूछ रहे तू क्या खाएगा, मेरे अब्बा बोले कुछ नहीं, कुछ खाते भी नहीं। हाँ अभी हम लोग हैं आमिर के इंतजार में। तो जिसका इंतजार था वो आ गया, आमिर भी आ गया और इसका दोनों आज मैचिंग पहने। दादी भी आ गई। तो हम
लोग कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं मंदिर। तो इन लोग लेके जा रहे हैं अभी फूल कब्रिस्तान पर, मेरे बड़े अब्बा की कब्र पे डालेंगे और मेरे दादा की कब्र पे डालेंगे और सबके और जितने भी पहचान वाले उधर सबकी कब्र पे डालेंगे, जितने भी रहते उनके इस पे डाल देते। तभी जा रहे अभी मेरी अम्मी और मेरी दादी कब्रिस्तान के बाहर ही है, दोनों दुआएं कर रहे हैं अंदर। मेरे दादा के लिए इन सब की मगफिरत के लिए दुआएं चल रही थी, अभी दुआ हो गई। अभी मेरी दादी आ रहे भाग भाग के फटाफट, अभी इधर आएंगे। माँ जी इधर से नहीं उधर से आओ ना, अरे नहीं इधर खड़े रहने के, क्योंकि खिड़की की जगह पे मैं बैठूंगी। हाँ तो हम लोग कब्रिस्तान जाके आ गए, मेरे जेठ ससुरे और जितने भी थे सबके ऊपर फूल डाल के आए आमिर ने और इसके अब्बा ने। तो आप लोग भी दुआ करना मेरे ससुरे और मेरे जेठ के लिए। मैं बोली ना पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाती किसके लिए, तो आप लोग दुआ करना। अभी हम लोग आए, माँ जी ने दिलाए बिरयानी आमिर के लिए, अभी आमिर खाएंगे बिरयानी और हम लोग सब लोग भी एक एक निवाला मारेंगे उसमें हाथ साफ करेंगे, टेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हम लोग ने ना आते वक्त ना समोसा नहीं क्या वड़ा पाव खाए ना पूरे सब। हाँ, वड़ा और आमिर का समोसा था, हम लोग ने समोसा पाव खाए और आमिर ने वड़ा पाव खाया और चाय पिए। आते आते हम लोग ने नाश्ता भी कर लिया, अभी आमिर खाने के लिए बैठे गए और थोड़ा घर भी गंदा है, अभी घर भी साफ करूंगी और पुलाव की रेसिपी दूंगी आपको, पुलाव बनाने वाली हूँ मैं तो पुलाव की रेसिपी दूंगी। पहले घर थोड़ा सा बैठेंगे बाबा, अभी हम लोग थक के आए तो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर मैं गोश्त उबलने को रख के आ गई, गोश्त उबल जाएगा तो फिर तैयारी करके आपको रेसिपी दूंगी। अभी थोड़ा बैठेंगे हम, फिर मिलते हैं बाद में। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं व्हाइट पुलाव, जिसके लिए मैं बता थी 1 किलो गोश्त ली थी उसको उबाल के रख दी मैंने इसमें और काम बढ़ा दी मैंने, आपको 1.5 किलो चावल का बना रही मैं। और मसाले के लिए चाहिए सब खड़ा मसाला डालने वाली मैं इसमें 8-9 लौंग, 2 बड़ी इलायची और ये भी 9 है, 9 छोटी इलायची, चक्री फूल इतना, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिरी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच शाह जीरा, थोड़ा सा जायफल और 3 तेज पत्ते और बघारने के लिए कांदा और हरी मिर्ची। कुछ मसाले पीसने की जरूरत नहीं इसमें, अदरक लहसुन पिसेला था हुई, अदरक लहसुन 3 बड़े चम्मच वो ली और टमाटर ली 5 बड़े टमाटे, 2 नींबू, 2 तो नहीं डालूंगी 1 डालूंगी और 150 ग्राम दही ली और 2 बड़े बटाटे ली और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ली। तो गरम करने के लिए रख दी थी मैंने, अभी हम लोग तेल डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह 150 ग्राम तेल डाली ली मैंने, ये तो बताना भूल गई, कोथमीर और पुदीना ली ली, कोथमीर काट डाली और पुदीना भी इसमें रख दी। तो ये गरम हो गया, फिर हम लोग ये डालेंगे। हाँ जायफल भी ली थी बताई ना तुमको, हाँ और थोड़ा सा जायफल ली। बिस्मिल्लाह तो इसको थोड़ा कलन देंगे, फिर हम लोग डालेंगे इसमें कांदा और हरी मिर्ची। तो ये हो गया इसका, हल्के हो गया, अभी हम लोग ये डालेंगे हरी मिर्ची और कांदा।
अब इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर बदली हो मतलब फ्राई करेंगे, पुलाव में ज्यादा लाल पंदा नहीं होगा। तो मिलते हैं लाल होने के बाद, लाल नहीं करते हल्का सा थोड़ा सा वही जो भी हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन ब्रून होएगा उसके बाद। और यहाँ बन रही है सबों के लिए काली चाय नींबू डाल के। तो हम लोग का कांदा फ्राई करके हो गया ऐसा ही हल्के हल्के कलर का बनने का। अभी हम लोग इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा जब तक हम लोग चाय पीएंगे, तब तक की चाय मेरी चाय। किसका भी पेट दर्द देता है ना, पेट में मरोड़ा नींबू की भी पेट में मरोड़ा था ना कुछ भी खाने का तगड़म सगड़म, तो ये चाय पीने का इससे बहुत जल्दी से राहत मिलती। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद, मसाला भूनने के बाद नहीं, पर चाय पीने के बाद मिलेंगे। नहीं मसाला भूनने ज्यादा देर नहीं लगेगा ना इसको। अभी हम लोग का अदरक लहसुन भी फ्राई हुआ है, अभी हम लोग डालेंगे टमाटर बिस्मिल्लाह, और साथ में डाल देंगे बटाटे और कड़ी पत्ते धो के रखे थे बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से टमाटर को अच्छे से गलन देंगे जब तक हम लोग पीते लेमन टी। अब मिलेंगे चाय के बाद। हाँ। आप लोग भी आओ, गरम थी पहले इसके लिए नहीं पिए। हाँ लेमन टी पीने कैसे मैं बताऊंगी चाय कैसी बनाते हाँ तो से टेस्टी बनती है ये चाय। तो हो गया हम लोग का टमाटर घिस के, देखो अभी हम लोग डालेंगे इसमें दही योगर्ट। योगर्ट माने दही, दही माने योगर्ट। अच्छा गैस सिलो कर देना, गैस में डालेंगे हम लोग कोथमीर पुदीना अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें हम लोग डालेंगे गोश्त बॉईल करेला। जो ज्यादा बॉईल बॉईल मैंने पहले आधा उबाल दी थी, फिर ना याद नहीं रहा कब्रिस्तान चले, फिर आके मैंने वापस से उसको उबाल दी तो ज्यादा उबल गया। कोई बात नहीं, इसको हम लोग मिलाई थी चालू मत करना अभी इसको। और गोश्त में मैंने नमक डाली थी उबालने के टाइम पे, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाली क्योंकि इसी का इसी का नमक उसके अंदर भी आ जाएगा। अब तुमको ऐसा लगा कम है तो तुम बटाटा उबालने को डालेंगे ना तब थोड़ा सा नमक डाल देगा, और इसको थोड़ी देर हम लोग पकन देंगे फिर इसमें पानी डाल देंगे। तो ये मेरा ड्रेसिंग को मेरा नहीं सॉरी मेरी अम्मी का है, मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे तो मैं पहनती कभी कभार। अच्छा
अच्छा लग रहा है इतने। हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरे अम्मी के कपड़े मुझे आते हैं, मेरे अम्मी थोड़े ढीले ढीले कपड़े पहनते और फिर बाद में मेरे को देते हैं। पर मेरी अम्मी के मुझे नहीं आते हैं। नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। अरे हड्डी वड्डी का तो भोजन नहीं था, टेंशन नहीं। हलवे में डालती हूँ ना, अभी हो गया, अभी हम लोग डालेंगे चावल। पानी थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। मैं 1.25 किलो का बना रही, थोड़ा ज्यादा, ताकि आमिर के टिफिन में भी सवेरे ले जाने को हो जाए। वो बोला मम्मी थोड़ा ज्यादा बनाओ, टिफिन में लेके लूंगा। अभी हम लोग ऊपर से डालेंगे लींबू। तुम लोग नमक टेस्ट कर लेना बाबा, मैंने मेरे हिसाब से डाली क्योंकि उसमें भी था नमक, क्या नाम, गोश्त उबालते टाइम। एक लींबू डालूंगी मैं। बीज तो नहीं देख लो, नहीं तो ये इनके कड़ू बीज भी आती तो किसके मुंह में, आदमी लोग खाते ना, जैसे आमिर हो गया, इसके अब्बा हो गए, जिसको जो बात से गुस्सा रहता ना उसके मुंह में वही चीजें जाती, काली मिरी, लौंग, है ना। हाँ सब ध्यान से देख के डालेंगे हम लोग। तेरी धन की कटोरी थी इसी के। इसको भी मिलाएंगे। मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से ही ला रही, इसके गोश मेरा गले लाए कहीं बोटी टूट ना जाए। टेस्ट करती, मैं तो ऐसी टेस्ट करती हथेली पे, आप कैसी टेस्ट करते हैं पता नहीं, चम्मच वाले छोछले नहीं करती, थर्मामीटर से टेस्ट करते हैं। नमक कम, थर्मामीटर से क्या नमक, नमक टेस्ट होता है। हाँ हम करते हैं। आप भी देखो नमक और मिर्ची, ये दो चीजें आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डाल रही क्योंकि मेरे घर में मेरे शौहर तीखा नहीं खाते, इसलिए मैं मिर्ची कम डालती हमेशा। तो आप भी अपने हिसाब से डालना। अभी इसको पकन देंगे, इसको ढक के रख देंगे हम लोग, मिलते हैं बाद में। तो अभी इसका पानी सूख गया और अभी हम लोग सीधा करके इसको दम पे रखेंगे, दम पे रखेंगे जब तक ये पक नहीं जाता तब तक। और मैं बताई आपको, पानी नहीं बताई क्योंकि मैंने अंदाजे से डाली, मुझे अंदाजे से पानी डालने को आता। तो आपको अगर डालने का है 3 गिलास, 1.25 गिलास चावल करेगा तो 3 गिलास 1.25 किलो का होता, तो 3 का डबल डाल देने का, 6 ऐसे डालने का, है ना, 6 ही होता ना रे। हाँ 6 होता, 1 का 2 गिलास होता तो 3 का 6 होता, 6 गिलास पानी डाल देने का। तो यानी अभी 1.25 किलो के पुलाव में 6 गिलास पानी डालने का। ऐसा हाँ, तो ऐसा बोल रहा हूँ, बता रही 1 गिलास का चावल रहेगा तो 2 गिलास डालने का। और मैंने फटाफट चालू चालू जल्दी जल्दी से बना डाली।
कुछ अंबर चीनी से खाना लगे आपको फटाफट। और मैं गई थी, दो तीन दिन हो गए, मेरी सहेली के घर पे गई थी ऊपर वाली निकट की अम्मी के पास, तो हम लोग ने बहुत मेरे वीडियो की तारीफ करे माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। निकट की अम्मी ने, अंजुम ने, उसकी भाभी लोग ने, बच्चे लोग ने बोले तुम लोग के वीडियो बहुत अच्छे बनाए तुमने, तुम बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और वो मेरे को बोली कि तुम खाली बोलते कि खाने को आओ, बुलाते नहीं, खाली बुलाते। तो मैं उसको बोली कि तू है ना पहले माले से चौथे माले पे जाती तो सीधा पहले माले ग्राउंड फ्लोर बोलते ना, ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट पहले माले पे आके खा ले, अपने वालों को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। और मेरी समदन वो भी माशाल्लाह मेरी तारीफ बहुत करी थी वीडियो के लिए, और उनकी सास भी, वो तो रोज मेरा चालू करके देख रहे थे यूट्यूब चैनल। किसका फोन आया अभी? जेबा। तो जेबा का फोन आया, मैं उससे बोलती मूसा तो मैं लगाती बाद में, पापा गए ले गाड़ी पे, मैं 5 मिनट बाद लगाती, रुक जा। हाँ कहीं नहीं, अभी 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 लगाती, वो पूछ रहा किधर जा रहे ले, किधर नहीं जा रही, मैं वीडियो बना रही, रुक जा 2 मिनट के बाद लगाती बेटा। तो मेरे समदन ने भी उनकी सास ने भी बहुत तारीफ करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते थे क्या, रोज बोलते थे मेरे सास ने मुझे वीडियो चालू करके दे अंजुम का, और कितने दिन हो गए समझ लेना, 1 हफ्ते के ऊपर हो गए ना, 1 हफ्ते के ऊपर हो गए मेरे वीडियो नहीं गए थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोले ना, मुझे बहुत खुशी हुई। सब जन मेरे को बोलते ना तो आप लोग ऐसी दुआ करो कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, है ना, और आप तक पहुंचाओ वीडियो। पर क्या मेरे को सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे ले, तो आप दुआ करो कि मेरे सब्सक्राइबर ना सब्सक्राइबर बढ़ जाए अच्छे से। और बस सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो व्यूज बढ़ेंगे फिर लाइक बढ़ेंगे, तो मेन सब्सक्राइबर है वो बढ़ जाए जल्दी से, है ना। हाँ। और मिलते हैं बाद में खाने के टाइम पे, नहीं दिखाऊंगी अभी, पक जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं मूसा से बात करूंगी क्योंकि मूसा ने वीडियो कॉल किया, उसकी माँ कुछ भी काम करते रहती ना तो कुछ से मोबाइल लेके वीडियो कॉल कर देता और आज उसको छुट्टी है उसको आज वैसी भी, तो आज उससे बात करूंगी। ऐसी नहीं रोज ही बात करती मैं, वीडियो कॉल लगा के पूछते रहती तबीयत कैसी है क्या है, तो अल्लाह ताला उसके बच्चों को शफा दे, थोड़े बीमार थे उसके बच्चे, कोई सर्दी खांसी नॉर्मली, तो बच्चों को भी शफा दे, सबको दे, सबकी तबीयत ठीक रहे और हम लोग के सबके साथ, है ना। अभी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे, अभी बाद में मिलते तुम बात कर लो, वीडियो कॉल करने का है, मैं बाद में मिलती हूं। तो अभी हम लोग देखेंगे अपना पका के, नहीं दम पे रख दी थी ना, सभी तलब चालू है, मैं ऊपर से देखूंगी ऐसे हटा के, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, हिलाने की जरूरत भी नहीं रहती उसको। हाँ देखो पक गया है ना, तो हम लोग का खाना पक गया है और अभी गैस बंद करते हैं, और इधर मेरे का चिकन बॉईल हो रहा है, और मिलते हैं अभी खाने के टाइम पे, जाना खाने वाला तो ले लो ना, तो ये कुछ मोबाइल में काम कर रहे हैं।
ये मुझे बाद में खिला, अभी मैं ही आपको खाते दिखाती हूँ। अभी बोले खिला लो, अभी मैं इसको खिला। तो हम दोनों एक दूसरे को खाने खिलाते ना, तो आप लोग माशाल्लाह। गोश्त देखो, मैं बोली ना बहुत गिर जाता है, कितना गिर जाता पर अच्छा। और साथ में मैंगोस, और ये मैंने चुंदर बनाई थी वो खाती डबल से बोल। ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। तो आप लोग सब दुआ में याद रखो मुझे, मेरे बच्चों को। और इंस्टा की आईडी बोलने की थी ना तुम्हारी। हाँ, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखो, हम सबको दुआ में याद रखो, और हम लोग भी आप लोग के लिए दुआ करेंगे, है ना। और मेरे इंस्टा पे आप जाके फॉलो करना, मेरी इंस्टा आईडी है anjumsheikh143। हाँ, मैं इधर पे मेंशन कर दूंगी। और तब्बू की आईडी है मिस तब्बू। आमिर की आईडी, आमिर तेरी आईडी क्या है? अमूस। हाँ, अमूस उसकी आईडी अमूस। तो हम तीनों को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर, है ना। और सब्सक्राइब करो यार मेरा चैनल, रोज मैं बोलती हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हाय गाइस, आज मेरी औरत ने मटन पुलाव बनाई थी, एकदम बेस्ट। मेरे बच्चे लोग को अच्छा लगा। आप भी आइए खाने के लिए, मेरी औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप एक बार खा के तो देखिए। दम बेस्ट। आज चिकन पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉरी मटन पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैं तीखा कभी खाता नहीं हूँ, मगर इस बार मुझे मटन पुलाव इतना बेस्ट लगा है ना। आप भी आइए कभी, इंशाल्लाह हमारे घर पे आइए, आपको भी खिलाएंगे। माशाल्लाह मेरी औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सही बोला ना? चल मेरे शोहर की गुफ्तगु तारीफ है मेरे लिए। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती खाना अच्छा, पर अभी मैं उनके हिसाब से ही बना रही खाना, क्योंकि उनको तीखा खाना नहीं चलता, इसलिए मैं थोड़ा सा फीका खाना बनाती। और मैं बोलना भूल गई थी कि नेक्स्ट ब्लॉग, इससे पहले का जो ब्लॉग है ना, बैंगन बटाटे की भाजी का जो डाली थी, तो उसके अंदर मैंने टमाटर का नहीं बताई थी, क्योंकि वो डिलीट हो गया था। बताए थे डिलीट हो गया था, डिलीट हो गया था। तो उसके अंदर मैंने कांदा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाली थी, उसके बाद डालने का था टमाटर, हल्दी और नमक, ये डाल के अपने को एकदम फ्राई करने का था। उसके बाद बैंगन बटाटे और बूमिल डाल दिया, और बाकी तो आगे का आया है। वो बाकी का तो आगे का सब आपको मिल गया होगा, तो प्लीज उसको भी देखो, थोड़ा सा मिस ऑयल है उसके अंदर का सीन, है ना। तो अभी ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और ये खा रहे एंड नहीं करेंगे, अभी इन्होंने क्या क्या लाया मैं ये बताती है, इनके ठंडी में बारिश में क्या क्या लाती है। जरा पोटला ला ली बाबा का, ये अंकी बाबा का पोटला है। देखो खजाने में तो क्या क्या निकलेगा, ये साबुदाने का चूड़ा, और ये है मिक्स चूड़ा, और ये है चकली, ये सबो खाती चकली का, और चाइनीज चकली, चाइनीज चकली। और ये लेते हैं क्या बेल वाला? हाँ, तो इसकी बेल में बना के बताऊंगी तुमको, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बेल का भी ब्लॉग छोटा सा क्या शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट बनाई थी, तब उन्हें डाली नहीं है, वो है शायद से है कि नहीं। हाँ है, तो वो शॉर्ट भी डालेंगी बेल का, और इसकी भी मैं बेल बनाऊंगी ना, तो इसका भी मैं शॉर्ट में डालने वाली। तो ये है बरसात में खाने वाली चीज, ये हम लोग खाते रहते थोड़ा, मतलब ये सब खाने के बाद काली चाय पीनी पड़ती है। हाँ, ये तब्बो है ना, यही खाई थी मेरे को लगता है ज्यादा। हाँ, इसके पेट में मरोड़ा आ गया। मरोड़ा मतलब वो तीखा मसाले वाला था ना, तो यही खाई थी चाइनीज चटनी, तो इसके पेट में आ गया था मरोड़ा। तो उसको मैंने तो खाना पड़ा था, पीना पड़ा था मुझे नींबू और चाय का, लेमन टी बना के दी थी मैंने, लेमन टी बना के दी थी मैंने उसको नींबू की,
खाली चाय के अंदर डाल के बनाते हैं हम लोग वो पीते हैं। तो उससे लूज मोशन भी अगर किसको होते ना तो इसी चाय बना के पी लेने का, और पेट में मरोड़ आता ना तो भी वो बना के पी लेने का। और ये इतना नहीं, सब एक साथ ऐसे नहीं खाते, हम खाते कि माफी कम लोग थोड़ा थोड़ा खाते, मतलब कोई मन किया बारिश में कोई लाने, अभी आमिर नहीं है ना इसलिए सब लेके आना पड़ रहा है, नहीं तो आमिर ना जाता ना तो लेके आता शाम के लिए नाश्ता कुछ भी, क्योंकि इसके भगवे रातू कुछ भी छोटा मोटा स्नैक बिस्किट कुछ भी खाने की आदत है, मीठा थोड़ा सा खाते हैं, वो बिस्किट के दो पूड़े लेके आते हैं कोई, और एक ही बार में खाते हैं, एक ही बार में खाता हूँ क्रीम बिस्किट, किसको पसंद नहीं है पर उनको ज्यादा पसंद है इसलिए वो दो बिस्किट के पूड़े लेके आते हैं और वो खुद खाते हैं। हम लोग एक खंडी बार ऐसा दिल किया तो मैं लेती एक बिस्किट क्रीम चाटती और बिस्किट इनको वापिस से दे देती, मैं ऐसे ही खाती बाकी का कुछ नहीं खाती। तो मैं ये भेल की रेसिपी भी आपको डालूंगी शॉर्ट के अंदर डालूंगी, और मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो है ना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।